स्वागत है आपका मैकेनिकल एजुकेशनल फोरम में। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम देखेंगे कि ये जो वर्ड है ऑटोमोबाइल, उसका क्या मतलब है और किसे हम ऑटोमोबाइल की कैटेगरी में डालेंगे और किस व्हीकल को हम कहेंगे कि नहीं ये ऑटोमोबाइल नहीं है। इसको समझने से पहले आपको ये देखना होगा कि आखिर ये वर्ड ऑटोमोबाइल का मतलब क्या है। तो ऑटोमोबाइल कुछ नहीं है। आप 10 बुक में देखेंगे, 10 जगह देखेंगे तो आपको अलग अलग डेफिनेशन मिल सकती है जिससे आपको कन्फ्यूजन होगा। आप केवल इतना ध्यान रखिए कि जो भी ऑटोमोबाइल है वो आपका सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल है। सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल कहने का मतलब है जो भी पावर चाहिए उस व्हीकल को चलने के लिए वो इंटरनली उसके अंडर ऐड किया गया है, किसी भी तरह से ऐड किया गया हो, मतलब पावर उसी के अंदर है। उस व्हीकल के एक्सटर्नली बाहर से कोई भी चीज या फिर पावर उसको नहीं दी जा रही कि ताकि वो चले। पावर जो चाहिए उसको चलने के लिए उसी व्हीकल के अंदर है, उससे ही हम ऑटोमोबाइल कहेंगे। और साथ ही वो ग्राउंड पर चलता हो, धरती पर चलता हो, और कोई पानी में चले या फिर आकाश में चले, उसको हम ऑटोमोबाइल नहीं कहेंगे। ऑटोमोबाइल वही है जो ग्राउंड पर चले। जो आसमान में चलेगा वो हवाई जहाज है, उसकी स्टडी आप एरोस्पेस इंजीनियरिंग में कहते हैं, ठीक है ना। और जो पानी में जो भी गाड़ी चलती है उसकी स्टडी आप मरीन इंजीनियरिंग, ऐसा ही कुछ है, उसमें करते हैं। और ऑटोमोबाइल यानी जो धरती पर जो गाड़ी चलती है उसकी स्टडी आप ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में करते हैं, ठीक है ना। तो ऑटोमोबाइल वो है जो सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल हो और जो ग्राउंड पर चलता हो। अब देखिए, जितने भी ऑटोमोबाइल हैं उन सभी के अंदर आपको इंटरनल कम्बस्टर इंजन IC इंजन मिलेगा या फिर इलेक्ट्रिक मोटर मिलेगा उसी गाड़ी के अंदर, ताकि वो खुद पावर ले सके उससे और चल सके। बाहर से उसको पावर नहीं दिया जा रहा है। इतनी बात क्लियर। आपका जो साइकिल है, अब मैं थंबनेल में बताया है कि क्या साइकिल ऑटोमोबाइल है, तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि साइकिल को पावर जो आप देते हैं वो एक्सटर्नली देते हैं। हम क्या करते हैं, पैडल उस पर मारते हैं, बाहर से पैडल मारते हैं तभी वो चलता है, ठीक है ना, तभी वो चलता है। यानी एक्सटर्नली पावर उसको दे रहे हैं। जब एक्सटर्नली पावर दे रहे हैं उसको, तो आपका ऑटोमोबाइल कैटेगरी में नहीं आएगा। तो आपका साइकिल ऑटोमोबाइल कैटेगरी में नहीं आएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि मैं इसको ऑटोमोबाइल बनाऊं, तो आप क्या करिए, उसके पास इलेक्ट्रिक मोटर लगा दीजिए, वो उसी इलेक्ट्रिक मोटर की सहायता से चलेगा और वो ऑटोमोबाइल कैटेगरी में आ चुका है। जितने भी इलेक्ट्रिक मोटर से चलने वाली गाड़ियां हैं और इंटरनल कंबस्टन इंजन से चलने वाली गाड़ियां हैं, वो सभी आपके ऑटोमोबाइल की कैटेगरी में आएंगी और वे ऑटोमोबाइल हैं। अब ये ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग क्या होता है, इसमें वे सभी ऑटोमोबाइल्स की स्टडी की जाती है, उनके मेंटेनेंस, उसके डिजाइन, है ना, उनके बारे में स्टडी करना ही जिस इंजीनियरिंग से संबंध करता है वो आपका ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है। तो फिर से मैं लास्ट में आपको बता देता हूं कि ऑटोमोबाइल क्या है। ऑटोमोबाइल आपका सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल है जिसे चलने के लिए उसी के अंदर पावर होता है, पावर सिस्टम बना होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इंटरनल कम्बस्टन इंजन या इलेक्ट्रिक मोटर को लगा देते हैं और वे जो व्हीकल्स हैं वे ग्राउंड पर चलती हैं, है ना, तभी वे ऑटोमोबाइल होंगी। तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। बहुत सारे आपको डेफिनेशन मिलेंगे जिसमें ये बताया जाता है कि ऑटोमोबाइल वो है जो ट्रांसपोर्ट करता है और ट्रांसपोर्टेशन जिससे पॉसिबल हो पाता है, और जो पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। इतना ही क्लियर नहीं है, इसको थोड़ा आपको मॉडिफाई करके लिखना होगा। ट्रांसपोर्टेशन तो होता ही है, पैसेंजर को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, लेकिन ग्राउंड पर, ठीक है। हवाई जहाज भी तो पैसेंजर को और सामान को ढूंढने का काम करती है ना। और एक और बात, मैंने कहे कि इंटरनल कम्बस्टन इंजन होना चाहिए, तो आप बोलेंगे इंटरनल कम्बस्टन इंजन क्यों बोल रहे हैं, इतना इस पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं। तो आपको इंटरनल कम्बस्टन इंजन तो होता ही है, जो हमारे गाड़ियों में हम जो देखते हैं वो इंटरनल कम्बस्टन इंजन है। एक होता है एक्सटर्नल कम्बस्टन इंजन, है ना, तो इसका यूज आपको पावर प्लांट में होता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। जब IC इंजन का अलग टॉपिक आता है, अलग सब्जेक्ट है ये, उसमें आप पढ़ेंगे कि IC इंजन क्या है, इंटरनल कम्बस्टन इंजन के बारे में उसकी स्टडी की जाती है अच्छे से। एक्सटर्नल कम्बस्टन इंजन आपको पावर प्लांट में मिलेगा, पावर प्लांट को भी चलने के लिए पावर चाहिए, उसको पावर दिया जाता है एक्सटर्नल कम्बस्टन इंजन से। उसमें कोयला जलाया जाता है और उससे पावर मिलता है उसको, ठीक है, एनर्जी उसको मिलती है। इंटरनल कम्बस्टन इंजन गाड़ी में हमारे होता है, पावर डेवलप करता है, गाड़ी चलती है,
और एक गाड़ी के अंदर फिट किया जाता है इंटरनल कम्बस्टर इंजन को। एक्सटर्नल कम्बस्टर इंजन आपका जो भी हमारा सिस्टम है उसके बाहर ऐड किया जाता है। इतनी बात क्लियर है, इसलिए मैं इंटरनल कम्बस्टर इंजन पर आपको जोर दे रहा हूँ कि इंटरनल कम्बस्टर इंजन ही गाड़ी के अंदर होनी चाहिए, तभी आपका ऑटोमोबाइल है या फिर इलेक्ट्रिक मोटर को लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप इतनी सी छोटी सी बात आपको समझ आ गई होगी। मेरे और भी टॉपिक आएंगे ऑटोमोबाइल पर, आप उसको देखना मत भूलिएगा। जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेरी है, उसको कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिए। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, और जैसे ही उसमें मेंबर्स अधिक होंगे मैं ग्रुप भी बना दूंगा, वहाँ पर भी आप अपने क्वेश्चन को पोस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।